Hello, friends, and welcome to Fill Form. My name is Ninu Chaudhary. your UG Senate paper first faculty. Good afternoon. Good afternoon, Puja Raki. प्रेरणा गुड आफ्टरनून एक क्वेरी थी पीडीएफ अपलोड करने में एक क्वेरी थी जो कि अब सॉल्व हो चुकी है तो आज एंड ऑफ डे तक सबको अपनी अपनी पीडीएफ मिल जाएंगी अपने अपने जो भी कोर्सेस लिए हुए हैं उसमें ठीक है काफी स्टूडेंट को मिल गई है और काफी स्टूडेंट को बाकी है तो आज सबको मिल जाएंगी ये मेरा प्रॉमिस है ओके okay? यस yes. और सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड हमारे सारे सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आप लोग ज्वाइन ही हो आई होप और आप लोग ने कोर्सेज भी ले चुके हो बट किसी को अगर चाहिए तो वो अपना कोड जो आई डी एच यू टेन जो है वो यूज कर सकता है, यस yes, आपको मिल गई ना यस yes. uh, काफी स्टूडेंट को मिल गई है और काफी स्टूडेंट को मिल जाएंगी मैम मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ डेली लाइव नहीं कर पाती हूं ओके okay. ओके okay. देन ये हमारी क्लासेस है राइट आपको पता ही है कि एप पर हम लोग कैसे क्लासेस करते हैं क्वीज नोट सैम्पल पेपर पी क्यू एम सी क्यू सब लोग कैसे आपको मिलता है वो सभी को पता ही है ठीक है तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है कम्युनिकेशंस राइट कॉम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हमने कॉम्युनिकेशन का यूनिट वन हमने कंप्लीट कर लिया है राइट तो उसके अकॉर्डिंग आज हमारा है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इफेक्टिव कम्युनिकेशंस लिख लो भाई फटाफट से सब लोग इफेक्टिव का आज का टॉपिक होगा ओके okay, ओके okay, सुनीता लिखो जल्दी से फटाफट सभी लोग लिखो यस इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इफेक्टिव कम्युनिकेशंस यानी क्या कह सकते हो आप प्रभावी संचार ठीक है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस यानी प्रभावी संचार तो यहाँ पे हमको देखना है प्रभावी संचार की विशेषता क्या क्या हो सकती है ओके okay? Yes. तो उसमें पहला टॉपिक है संदर्भ का सामान्य ढांचा राइट कॉमन फ्रेम टू रेफरेंस यानी प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता सेंडर और रिसीवर को समझने के लिए एक सामान्य स्तर पर बातचीत करनी चाहिए राइट right? ये उसका कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है द सेंडर एंड द रिसीवर शूड इंटरक्ट एट ए कॉमन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो पहला ये होगा पहला स्टेप क्या होगा भाई सेंडर और रिसीवर को समझने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए सामान्य स्तर यानी कॉमन लेवल पर बातचीत यानी कॉमन लेवल पर कम्युनिकेशन करनी चाहिए ये हुआ फर्स्ट टॉपिक समझ गए ये हुआ प्रभावी संचार की विशेषता का फर्स्ट स्टेप दूसरा बताती हूं क्या होता है आगे गुड आफ्टरनून रश्मि भाई यस नो तो बताओ तो मैं आगे भी चलू यस yes, ओके okay. दूसरा टॉपिक है मैचुअल ब्याज यानी इंटरेस्ट है इंटरेस्ट यानी रुचि यहां पे रुचि की बात की हुई है ठीक है ये रुचि के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट का मतलब ब्याज भी होता है और इंटरेस्ट यानी रुचि भी होती है ठीक है तो मैचुअल रुचि यानी एक दूसरे में कॉमन रुचि राइट तो संचार की विषय वस्तु प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता के पारस्परिक हित की होनी चाहिए ठीक है सेकेंड स्टेप क्या है भाई सेकेंड स्टेप है कि मैचुअल इंटरेस्ट तो कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी ऑफ मैचुअल इंटरेस्ट ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर मैम फर्स्ट वाला रिपीट कीजिए ओके फर्स्ट में क्या है संदर्भ का सामान्य ढांचा यानी कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता को समझ के ए एक सामान्य स्तर पर बातचीत करनी चाहिए यानी द सेंडर एंड द रिसीवर शुड इंटरेक्ट एट कॉमन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी सेंडर जो है और रिसीवर जो है दोनों की अंडरस्टैंडिंग से कॉमन लेवल पर कम्युनिकेशन करनी चाहिए समझ गए अब यहाँ पे फोर टाइप है प्रभावी संचार की विशेषता में तो पहला है कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा है मैचुअल इंटरेस्ट तीसरा है कॉमन लैंग्वेज और चौथा है कॉमन एनवायरमेंट ओके ना तो ये क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप दूसरा क्या है भाई मैचुअल रुचि यानी एक दूसरे में संचार की विषय वस्तु के लिए प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता के पारस्परिक हित की होनी चाहिए राइट तो कॉमन कॉन्टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी ऑफ मैचुअल इंटरेस्ट टू द सेंडर एंड द रिसीवर तो ये हुआ सेकंड स्टेप ठीक है yes or no please comment box matlab man afrin यहाँ पे आपको ये बता रही हूं मैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें क्या क्या आवश्यकता होगी तो उसमें चार स्टेप ने आवश्यकता होती है उसमें पहला स्टेप ये है कि जो कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी सेंडर और रिसीवर जो है वो दोनों को uh, uh, समझने के लिए उसका कॉमन लेवल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए राइट right. दूसरा स्टेप ये है कि मैचुअल रुचि यानी मैचुअल इंटरेस्ट उसमें क्या है कि संचार की विषय वस्तु प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता के पारस्परिक हित की होनी चाहिए यानी कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी ऑफ मैचुअल इंटरेस्ट टू द सेंडर एंड द रिसीवर ये दो स्टेप हुए तीसरा स्टेप ये है कि कॉमन लैंग्वेज और चौथा स्टेप ये है कि कॉमन इन्वायरमेंट ठीक है सरल शब्दों में क्या होगा तो सरल शब्दों में ये होगा कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है दोनों में क्या है तो दोनों की जो रुचि है यानी मैं हूं और वो आफरीन है ठीक है दोनों ये सेंडर है ये रिसीवर है तो दोनों की विषय वस्तु की रुचि एक दूसरे को जो कम्युनिकेशन होती है उसके हित में होनी चाहिए यानी दोनों के इंटरेस्ट वाली होनी चाहिए ठीक है एकदम आसान से शब्दों में ये कि सेंडर और रिसीवर की जो कम्युनिकेशन की बात है जो भी ये दोनों बात कर रहे हैं वो दोनों के इंटरेस्ट वाली होनी चाहिए ठीक है समझ गए बराबरी का इंटरेस्ट यस सेंडर और रिसीवर दोनों का बराबरी वाला इंटरेस्ट समझ गए ना ओके देन थर्ड पॉइंट है आम भाषा यानी कॉमन लैंग्वेज मैंने कल आपको बताया था कॉमन का वर्ड क्या होता है तो कॉमन का मतलब होता है आम सामान्य, राइट right? ये उसका ही है तो आम भाषा यानी प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता के बीच मौखिक बातचीत आसान और प्रभावी होती है यदि वे एक सामान्य भाषा बोलते हैं अधूरी अधूरी संचार की संभावना एक कम हो जाती है क्योंकि शब्दों वाक्यांशों मुहावरे मुहावरों और उनकी बारीक बारीकियों को आसानी से समझा जा सकता है अधूरा जो संचार होता है वो कम प्रभावी होता है उसकी संभावना कम होती है क्योंकि उसमें क्या होता है भाई शब्दों वाक्यांशों, मुहावरे मुहावरों और उनकी बारीकाइयों को आसानी से समझा जा सकता है राइट कॉमन लैंग्वेज वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर इज इजी एंड इफेक्टिव इफ द स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज यानी जो सेंडर और रिसीवर जो बात कर रहे हैं यानी मैं यानी और आफरीन जो बात कर रहे हैं ना वो दोनों के बीच की जो भी बातचीत है वो मौखिक बातचीत है वो आसान और प्रभावी होनी चाहिए यानी वो सिंपल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए इजी होनी चाहिए वो इफेक्टिव होनी चाहिए राइट right? समझे यदि वे एक सामान्य भाषा बोलते हैं तो यानी सामान्य भाषा कॉमन भाषा यानी हिंदी अगर मैं गुजरात से हूं तो मैं गुजराती बात कर रही हूँ राइट और अगर आफरीन जो है वो बॉम्बे से है तो वो मराठी बात कर रही है राइट तो गुजराती और मराठी दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है तो फिर उनकी कॉमन लैंग्वेज कौन सी होंगी कॉमन लैंग्वेज होगी हिंदी हिंदी ये भी जानती है और ये भी जानती है ठीक है समझ में आ रहा है मैं जो समझा रही हूँ समझ रहे हो आप अच्छी तरह से यस yes. तो दोनों के बीच की जो बातचीत है वो इजी यानी अच्छे से समझ में आए वो और प्रभावी होनी चाहिए आसान और प्रभावी होनी चाहिए ठीक है और सामान्य भाषा होनी चाहिए यानी सामान्य यानी हिंदी वाली जैसे कि एक कॉमन लैंग्वेज होती है हिंदी ठीक है क्योंकि पूरे इंडिया में हिंदी तो सब लोग जानते ही होते हैं राइट चाहे वो उत्तर के हो दक्षिण के हो पूर्व के हो पश्चिम के हो बट जो हिंदी है वो सब जगह चलती है बट हमारे यहाँ पे उत्तर में क्या होता है गुजरात में क्या होता है गुजराती चलती है राजस्थान में राजस्थानी चलती है मुंबई में मुंबई वाली मराठी चलती है फिर तमिलनाडु में कन्नड़ वो सब चलती है राइट वो तो आपको सभी को पता है बट हिंदी तो सबको समझ में आती है तो वो कॉमन लैंग्वेज हो गई समझ गए ना अधूरे संचार की संभावनाएं कम हो जाती है यानी अधूरा जो संचार है यानी अधूरी बातचीत है यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं ये तीन लोग कुछ आ, ये चार लोग कुछ बात कर रहे हैं बट यहाँ पे जो पूरा सेंटेंस है वो पूरा नहीं करते यहाँ तक छोड़ देते तो ये संभावना कम हो जाती है यानी अधूरी बातचीत समझ में नहीं आती है ना शब्दों वाक्यांशों मुहावरे मुहावरों और उनकी बारीकियों को आसानी से समझा जा सकता है यानी उसमें क्या होता है भाई उसमें मिनिमाइज बिकॉज वर्ड पर आ, फ्रेज फ्रेजेस आइडिया एंड प्रोबल्स एंड देर न्यूसेंस आर इजिली अंडरस्टूड यानी उसमें क्या है वाक्यो शब्दों वाक्यांशों मुहावरों मुहावरों और उनकी बारीकियों को आसानी से समझा जा सकता है ठीक है तो ये थर्ड था कि कॉमन लैंग्वेज ठीक है अच्छा आप आसाम से हो आसाम में मेरी एक फ्रेंड है अः हिमाद्री करके वो आई हुई है अभी गुजरात में ऑनलाइन ही फ्रेंड है जब हम लोग क्लास कर रहे थे ना तब हमारी एक फ्रेंडशिप हुई थी तो वही है ठीक है ना उसके बाद फोर्थ नंबर का है सामान्य वातावरण यानी कॉमन एनवायरमेंट ठीक है तो कॉमन एनवायरनमेंट में क्या होता है भाई सामान्य पृष्ठभूमि वाले लोग इच्छित संदेश बिना किसी झंझट के प्राप्त कर लेते हैं यानी एक ही एटमॉस्फेयर में रहने वाले लोग जो होते हैं ना वो किसी प्रॉब्लम्स फेस करके हुए यानी वो कोई प्रॉब्लम्स फेस करके ना हुए वो अपना जो सेंडर रिसीवर वाला जो प्रोसेस है ना कि यहाँ से मैसेज निकला है तो यहाँ पर पहुंचाना है वो आसानी से पहुंच पहुंच जाता है ठीक है तो सामान्य वातावरण यानी कॉमन एनवायरमेंट अगर ये है कि यहाँ पे कोई है और यहाँ पे कोई है और यहाँ पे अगर कॉम्युनिकेशन करना है तो वो अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं है यानी एनवायरमेंट को आप ये भी बता सकते हो कि अगर बारिश पड़ यहाँ से आप गुजरात में हो और यहाँ पे आसाम में हो राइट तो यहाँ पे आसाम में बारिश हो रही है राइट बारिश हो रही है यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ से वो सेंड करेगा तो यहाँ तक पहुंचने में थोड़ी बहुत दिक्कत होंगी राइट right? क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू होगा यहाँ पे कुछ लाइट नहीं होगी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस कर सकता है राइट right? तो यहाँ पे क्या हुआ सामान्य वातावरण नहीं है कॉमन एनवायरमेंट नहीं है अगर मुझे गुजरात से कोई गुजरात के मान लो कि गुजरात की कोई सिटी है अहमदाबाद अहमदाबाद और मेरी जो सिटी है वो ईडर है राइट right? तो ईडर से मुझे अहमदाबाद तक भेजना है तो यहाँ पे एनवायरमेंट जो है वो कॉमन हो गया कॉमन right? हो गया तो यहाँ पे आसानी से पहुंच जाएगा समझ गए बिल्कुल इसी से के साथ समझा रही हूं। समझ गए क्या कॉमन एनवायरनमेंट की बात समझ गए क्या पीपल विद द सिमिलर बैकग्राउंड इंटेंट मैसेज विदाउट एनी हैसलेस यानी किसी भी झंझट के वो प्राप्त कर लेता है सामान्य वातावरण में यस 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 वेरी गुड तो अब लिख लो लिख लो अब लोग सभी लोग लिखेगा कम्युनिकेशंस ठीक है उसमें फोर पॉइंट है फोर पॉइंट है तो पहला पॉइंट क्या था भाई कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरस दूसरा है मैचुअल इंटरेस्ट तीसरा क्या था कॉमन लैंग्वेज चौथा क्या था भाई कॉमन एनवायरमेंट लिख लो अब अब साथ साथ में लिख लो कि चार टॉपिक है फ्यूचर ऑफ इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन की चार टॉपिक है, है जिसमें पहला है कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा है मैचुरल इंटरेस्ट तीसरा है कॉमन लैंग्वेज और चौथा है कॉमन एनवायरमेंट ओके okay ना समझ गए अब बिल्कुल इजी था यस और नो तो बताओ ना मैम एग्जाम में बहुत लैंग्वेज में बहुत लैंग्वेज में आते हैं एक साथ क्वेश्चंस एग्जाम यस yes, दोनों लैंग्वेज में आएंगे हिंदी में मैम ओके ओके हिंदी में बताती हूं तो हिंदी में क्या होगा भाई संदर्भ का सामान्य ढांचा पहला क्या होगा प्रभावी संचार की विशेषताएं तो प्रभावी संचार की विशेषताओं में फर्स्ट स्टेप होगा संदर्भ का सामान्य ढांचा लिखो राइट right? दूसरा क्या होगा मैचुअल रुचि ब्याज नहीं मैचुअल रुचि ठीक है यानी मैचुअल इंटरेस्ट ठीक है तीसरा होगा आम भाषा यानी सामान्य भाषा राइट तीसरा जो है वो सामान्य भाषा यानी आम भाषा नई मधुर दोनों लैंग्वेज में आता है दोनों लैंग्वेज में आता है एग्जाम और चौथा होता है सामान्य वातावरण ओके वेरी गुड समझ गए ना तो ये फोर टाइप्स थे अब हम लोग देखने वाले हैं प्रभावी संचार की विशेषताएं यानी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशंस अब देख रहे हैं इफेक्टिव की यानी प्रभावी संचार की विशेषताएं कोई मुझे बताएगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था दो तीन दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर स्टिक ऑफ कम्युनिकेशंस तो कैरेक्टर स्टिक ऑफ कम्युनिकेशंस में हमने क्या पढ़ा था okay, okay. किसी को याद है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था वेरी गुड मधुर, टू वे कंटिन्यूस प्रोसेस वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग इम्पथी कॉन्टेक्स्ट एक्यूर मैसेज फ्रिक्वेंटली मल्टी चैनल टू वेज फेस टू फेस बॉडी लैंग्वेज ए पॉजिटिव एटीट्यूड एस्किंग ऑफ क्लियरिफिकेशन वेन नेसेसरी ये सब हमने कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था ठीक है यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड और देख रहे हैं प्रभावी संचार की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसमें क्या है भाई उसमें यही है सेवन स्टेप उद्देश्य की स्पष्टता क्लियरिटी ऑफ परपोज पूर्णता यानी कंप्लीटनेस संक्षिप्तता यानी कॉन्सियसनेस और फोर्थ है प्रतिक्रिया यानी फीडबैक सहानुभूति यानी इम्पथी दर्शकों के अनुसार संदेश को संशोधित करें यानी मॉडिफाई द मैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस एंड सेवन संचार के कई चैनलें यानी मल्टीपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन लिख लो भाई ये सब लिख लो क्योंकि ये काफी बार पूछा जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्युनिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में दोनों -दो में क्या अंतर है वो सब लिख लो यस रेकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। लिखो ना कहा रह गए सब लोग फीडबैक क्लियरिटी ऑफ परपोज कंप्लीटनेस कॉन्सियसनेस इन पथी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखो राइट right? clarity of purpose completeness consciousness feedback empathy modify the message according to the audience and multiple channel of communications okay और अपनी जो हैंड रिटर्न वाली नोट्स है ना उसमें भी लिख लेना साथ साथ में ताकि आप कंफ्यूज ना रहो जाओ उसके बाद क्या है भाई प्रभावी संचार के लिए रणनीतियां स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन रणनीति अच्छा और प्रभावी संचार के लिए क्या क्या आवश्यक होता है भाई कौन सी रणी रणनीति रन होती है कौन सी स्ट्रैटेजीज बनानी होती है जैसे कि हम लोग यूजीसी नेट के एग्जाम्स क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें ये पढ़ना है ये पढ़ना है वो पढ़ना है यहाँ से पेपर सॉल्व करने हैं वहां से करने हैं तो सेम प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है पिंकी बारह बजे होती है मंडे टू वैनसडे यानी तीन दिन और दो दिन होंगी यूट्यूब पर वहां पे एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी और यहां पे थियरी की मिलेंगी अब लिखो भाई प्रभावी संचार के लिए रणनीतियां यानी स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस तो उसमें पहला स्टेप क्या होगा पहला स्टेप यही होगा कि जो भी लिखा हुआ है वो स्पष्टता होनी चाहिए क्लियरिटी ऑफ मैसेज होनी चाहिए राइट right? उसके बाद दूसरा क्या होगा विचारों का सुदृढ़ीकरण यानी रेनफोर्समेंट ऑफ आइडियाज विचारों का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए उसके बाद तीसरे नंबर पर होगा उपयुक्त चैनल यानी अप्रोप्रिएट चैनल उसके बाद फोर्थ पे होगा प्रेरणा यानी मोटिवेशनल एंड उचित वातावरण यानी प्रॉपर एनवायरमेंट वेरी गुड खुशहाली स्ट्रेटजी मीन्स प्लानिंग तो यहाँ पे क्या बताया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए हमें कैसी प्लानिंग करनी चाहिए कैसी स्ट्रेटजी करनी चाहिए तो उसमें पहला स्टेप होगा क्लियरिटी ऑफ मैसेज यानी संदेश जो भी लिखा हुआ है वो स्पष्ट वाला होना चाहिए दूसरा है रेन्फोर्समेंट ऑफ आइडियाज यानी विचारों जो है जो मैसेज में विचारों जो दिए हुए हैं करंट वाले होने चाहिए तीसरा जो है वो अप्रोप्रिएट चैनल उपयुक्त जो चैनल है उसके उपयुक्त होना चाहिए उसके बाद फोर्थ पर है कि वो, वो मोटिवेशनल वाला होना चाहिए यानी जो भी संदेश लिखाया हुआ है उसमें से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए और पांचवें नंबर पर है प्रॉपर एनवायरमेंट यानी उचित वातावरण वाला होना चाहिए समझ गए ना ये समझ गए यहाँ पे किसी को डाउट्स क्वेरी है तो साथ साथ में बता दियो तो मैं सॉल्व करवा दूंगी नो उट वेरी गुड बहुत ही बड़े होशियार स्टूडेंट है भाई मेरे उसके बाद क्या है संचार के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस ऑफ फंक्शंस देखते हैं भाई संचार के कार्य क्या क्या हैं? तो जानकारी देना है अनुदेश मनोरंजन प्रोत्साहन बहस और चर्चा सांस्कृतिक प्रचार और एकीकरण यानी इंफॉर्मेश इंस्ट्रक्शन एंडवायरमेंट डिबेट और डिस्कशंस कल्चर प्रमोशंस एंड कम्युनिकेशन तो तो संचार का कार्य क्या होगा भाई ये तो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा ये सारा मटेरियल है ना मेरे पास काफी बड़ा और काफी इफेक्टिव है जो आपके एग्जाम के रिलेटेड है भाई काफी मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहां से जो भी प्रोवाइड होता है ना वो सब लोग आप एक बार रिवाइज भी कर दियो घर पे ठीक है यस, yes. संचार के कार्य संचार के कार्य क्या क्या होंगे तो जानकारी प्रदान करना अनुदेश करना मनोरंजन करवाना प्रोत्साहन देना बहस और चर्चा करना सांस्कृतिक प्रचार करना और एकीकरण करना ओके okay? कोई पर्टिकुलर बुक से नहीं है सृष्टि कोई पर्टिकुलर बुक से नहीं है ये हमारे खुद के नोट्स हैं जो हमारे फिल्ल फॉर्म के लिए जाने चाहते हैं राइट ये हमारे खुद के नोट्स हैं ओके किसी को डाउट्स हैं यहाँ पे कि संचार का कार्य क्या क्या का होगा बहुत बढ़िया है थैंक यू सो मच सृष्टि ये सब आपके लिए है आपको जी दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है तो हम लोग कहीं से भी भाई दुनिया फाड़ के आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे बस आपको करना क्या है आपको बस उसको रिवाइज कर कर रिकॉल कर कर अच्छे से पढ़ाई करनी है ठीक है यस yes. चलो द हाउ इज सब जानकर आपका जोश कैसा है आई फीश हो गया है या फिर बहुत मोटिवेशनल देता है यानी प्रेरणा देता है कि वाह हमें न्यू सीखने को मिल रहा है इंटरब्रिटेशन मतलब क्या होता है तो उसका मतलब होता है एकीकरण प्रेरणा एकीकरण वेरी uh, गुड yes. oh, oh. चलो अब देते हैं भाई वर्बल कम्युनिकेशंस वर्बल कम्युनिकेशंस यानी मौखिक संवाद क्या वर्बल कम्युनिकेशंस यानी मौखिक संवाद मौखिक संवाद में क्या होता है भाई कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा कि अः मौखिक संवाद कैसे होता है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच इंटेग्रिटेशन को डिटेल uh, में बताए उसमें यानी एकता, एकीकरण, संगठन, समन्वय ये सब उसका मतलब होता है यानी एकता करना एकीकरण करना सब जो uh, जो भी झुंड है मान लो कि यहाँ पे कोई समूह है स्टूडेंट का एक समूह है राइट उसको एकत्र करना एकीकरण करना एकता बनाए रखना यह होता है इंटरग्रिटेशन किरण ठीक है किरण समझ में आया टीवी लैंग्वेज बोलकर अपनी बात को बताना कन्वर्सेशंस जैसे आपसे बात करना टीचर सब स्टूडेंट को बोलकर समझाते हैं जो बोल के किया जाए जो बात आसानी से समझा ओके दो व्यक्तियों के बीच शब्दों का यूज करके मैसेज का आदान-प्रदान करना वेरी गुड ओके तो मौखिक संवाद क्या होता है भाई दो व्यक्ति जो हैं वो अपने आप को जो भी कॉमन लैंग्वेज है उसमें बातचीत करते हैं बोलकर संकेत से उसके भाषा के माध्यम से जो भी जानकारी आदान प्रदान यानी स्थानांतरित करते हैं वो भाषा का उपयोग जो होता है वो मौखिक संवाद होता है मैम आप बोल रहे हैं ये ओरल कम्युनिकेशंस हैं, रश्मि मैं आपको आंसर नहीं दूंगी बट मैं अब डिफरेंस बताऊंगी ओरल कम्युनिकेशंस एंड रिटर्न कम्युनिकेशंस में तो जब मैं डिफरेंस बताऊंगी ना तब आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा ठीक है क्योंकि मैं अगर आंसर दे दूंगी तो वो उसमें क्या बात रहेगी बट मैं आपको सिखाऊंगी तब आपका आंसर आप खुद निकालोगे तो उसमें बहुत बड़ी बात होगी ठीक है तो वो मैं आपको आगे समझाती हूँ बच्चा ठीक है थोड़ी सी आ, थोड़ी सी वेट कर लो आगे वही मैं समझाने वाली हूँ ओके okay ना तो मौखिक संचार बोलकर या संकेतिक भाषा के माध्यम से जानकारी स्थानांतरित करने के लिए भाषा का उपयोग है वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन थॉट स्पीकिंग और साइन लैंग्वेज तो ये होती है मौखिक संवाद ठीक है कहां गए भाई मेरे प्यारे बच्चे कहां गए क्यों मैसेज बंद हो गए प्रेक्षक अपनी भावनाओं विचारों विचारों और विचारों को शब्द देता है और उन्हें भाषणों चर्चाओं परिस्थितियों और वार्तालापों के रूप में व्यक्त करता है ठीक है जिस भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं वेरी गुड पिंकी तो यहां पे क्या हुआ भाई द साइंडर वर्ड टू हिज फीलिंग्स Thoughts, ideas थॉट opinion express them in the form of speech, uh, speeches, discussions, uh, presentations and conversations. बोलने की बात जो है वो क्या क्या मौखिक संचार में क्या क्या आएगा भाई मौखिक संचार में अब आप खुद ही बात बता सकते हो कि वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या क्या आएगा वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या आएगा अगर भाषण की बात की है तो वो आएगा वर्बल कम्युनिकेशंस में अगर चर्चा डिस्कशंस की बात की है वो भी आएगा वर्बल में प्रस्तुतियां यानी प्रेजेंटेशंस की बात की है वो भी आएगा वर्बल कम्युनिकेशंस में वार्तालाप वो भी आएगा वर्बल कम्युनिकेशंस में समझ गए समझ गए ना Uh, sender gives word, his uh, feelings, thoughts, ideas, and opinions. Express them the form of speeches, discussions, presentations, and conversations. Nice class. Thank you so much. ओके okay, तो ये हुए इसके बब्बल में आएंगे फिर उसके बाद क्या आएंगे भाई मौखिक संचार की प्रभावशीलता वक्ता के लहजे भाषण की स्पष्टता मात्रा गति हाव भाव और बातचीत में प्रयुक्त शब्दों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है द इफेक्टिवनेस ऑफ द वम्युनिकेशन डिपेंड ऑन द टोन ऑफ द स्पीकर क्लियरिटी ऑफ स्पीच वॉल्यूम स्पीड बॉडी लैंग्वेज एंड द क्वालिटी ऑफ वर्ड यूज इन द कन्वर्जेशन इफेक्टिवनेस कब होती है बाई वर्बल कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कब होते हैं यानी मौखिक संचार तब प्रभावी होता है जब वक्ता के लहजे यानी टोन ऑफ द स्पीकर मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूं हेलो कैम छो ये बोल रही हूँ यानी मैं यहाँ पे मेरे गुजराती में बोली हेलो कैसे हो ये speaker, मैं टॉन ऑफ स्पीकर यानी मैं मैं स्पीकर राइट अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं मेरा जो टॉन है वो कैसा है भाई कैसे हो तो वो उसका टोन हुआ राइट क्लियरी ऑफ स्पीच यानी मैं जो बोली वो आप अच्छे से समझ गए यानी मैं जो बोल रही हूँ वो क्लियर से है क्लियरिटी से है राइट यानी जो बोल रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है राइट फिर वॉल्यूम यानी उसके जो आवाज है उसकी स्पष्ट उसकी मात्रा जो है वो कैसे है अगर मैं ऐसे बोलूंगी हेलो कैसे हो तो आपको समझ में आएगा नहीं आएगा मैं ऐसे बोलूंगी हेलो कैसे हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ना आएगा ना तो ये हुए वॉल्यूम उसके बाद हुई स्पीड अगर मैं फास्टली से बोल देती हूँ आप, बड़ा, बड़ा बहुत है कि नहीं हो वो वो सब मैं ऐसे स्पीडली बात कर लूंगी तो आपको समझ में आएगा नहीं आएगा तो उसकी गति जो है ना वो उसकी अकॉर्डिंग होनी चाहिए यानी मैं जो बोलू वो आप असली से समझ में वही आप आ, वही आपकी जो गति है वो अच्छे से होनी चाहिए राइट उसका भाव यानी वो क्या कहना चाहता है वो सैड है वो हैप्पी है वो क्राइ कर रहा है उसका हाव भाव कैसा है वो उसका जो जो सामने वाला है उसके प्रति उसका हाव भाव कैसा है वो भी उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है राइट फिर बातचीत में प्रयोग शब्दों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ वर्ड्स यानी जो भी यहाँ पे बात है वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए जैसे कि हमारा जो मटेरियल्स है राइट right? हमारा जो मटेरियल्स है वो क्वालिटी वाला है राइट right? तो क्वालिटी ऑफ वर्ड्स यानी हम लोग यहाँ से जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए वैसे ही मौखिक संचार में भी सेम है जो बोल रहे हैं वो क्वालिटी ऐसे फालतू तो कुछ बोल दिया आ, आ, ऐसा है वैसा है वो वो उसमें क्वालिटी नहीं रही राइट right? बट आप बहुत अच्छे हो आप ऐसे हो वैसे हो तो वो क्वालिटी हुई, राइट तो ऐसे ही उसमें मौखिक संचार यानी इफेक्टिवनेस तब होता है जब कॉम्युनिकेशन uh, में uh, जो भी क्वालिटीज वॉल्यूम स्पीड बॉडी लैंग्वेज क्लियरिटी और टोन ऑफ द स्पीकर वो जब अच्छे होता है तभी वो कन्वर्जेशन अच्छे से हो पाता है कहने ऐसा यानी कैसे हो कहने ऐसा इससे आसा से yes. तो, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं कि अगर मैं आपको जो भी बोल रही हूँ वो आप अच्छे से समझ रहे हो वो होती है क्वालिटी जो वो होती है क्लियरिफिकेशन राइट तो ये हुआ बाय वर्बल कम्युनिकेशन समझ गए कि नहीं समझ गए अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो यस ओके देन उसके बाद क्या है कि मौखिक संचार का विभाजन मौखिक संचार है उसमें कितने टाइप से विभाजन होता है राइट right? तो वर्बल कम्युनिकेशन का डिवाइजेशंस uh, राइट right? समझला ओके okay. समझला मौखिक संचार को मौखिक और लिखित संचार में विभाजित किया गया है मौखिक यानी ओरल लिखित यानी व्रिटन राइट right? कोई मुझे अभी पूछ रहा था वो उसका आंसर अब इसमें आपको मिलेगा ठीक है uh, कौन पूछ रहा था कि आप जो बोल रहे हो वो ओरल आएगा व्रिटन आएगा या भी वर्बल जो भी पूछ रहा था ना उसका आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा ओके okay. तो मौखिक संचार जो है वो उसके दो पार्ट्स हैं मौखिक और लिखित संचार में विभाजित किया गया है मौखिक संचार को मौखिक और लिखित संचार में विभाजित किया गया है तो मौखिक संचार में क्या है भाई अब उसमें पर, जो पहला टाइप है मौखिक संचार उसमें क्या है अर्थ सिद्धांत सुविधाएं गुण और अवगुण ठीक है ठीक है समझला यस वर्बल कम्युनिकेशंस इज सब डिवाइजेशन इन टू ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशंस राइट दो पार्ट्स में है सब डिवाइजेशन ओरल और रिटर्न तो ओरल कम्युनिकेशंस में क्या है भाई मीनिंग है प्रिंसिपल्स है फ्यूचर्स है मिरिट्स uh, right? hai, 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 uh, है और डेमिरिट्स है यानी इसमें क्या है मिरिट्स और डेमिरिट्स में क्या है द गुण है और अवगुण है ठीक है तो इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में दोनों स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया समझला नहीं समझला हां जी ओके uh, okay. yes, okay. ये हुई ना बात ओके okay. उसके बाद मौखिक और लिखित संचार के बीच बीच जो अंतर है वो क्या है यानी डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशंस क्या क्या डिफरेंसेस है तो आप अब तय कर सकते हो कि मौखिक कम्युनिकेशन किसे कहते हैं और लिखित कम्युनिकेशन किसे कहते हैं तो मौखिक कम्युनिकेशन क्या है तो उसमें क्या क्या आते हैं तो शरीर की भाषा की तहत अशाब्दिक भाषा का प्रयोग जरूरी है दूसरा है कि इच्छित संदेश देने में तेजी तीसरा है अधिक व्यक्तिगत स्पर्श और रिसीवर पर प्रभाव चौथा है तत्काल प्रतिक्रिया पांचवा है कम विचारशील छठवा है प्राप्तकर्ता कुछ समय बाद संदेश भूल जाता है भूल सकता है राइट सातवा है कि वो लंबा होता है आठवा है कि लौक मौखिक संचार भावनाओं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त है ओके आइए इंग्लिश में देखते हैं The difference between oral and written communications. Oral communications, one, use of nonverbal language like body language is a must. Second, first, uh, first, uh, first in conveying uh, the intended message. Third, more personal touch and impact on receiver. Fourth, immediately feedback. Five, less thoughtful. Six, रिसीवर में फॉर गेट द मैसेज ऑफ समाइम्स एंड सेवन लैंड एट ओरल कॉम्युनिकेशन इज सुटेबल फॉर कन्वेइंग इमोशंस एंड फीलिंग ओरल कॉम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा अब मुझे कोई बताएगा जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग कोई मुझे बता पाएगा यस yes, मैम तो बताओ बताओ भाई ओरल कम्युनिकेशन में क्या आएगा रिटर्न का मैं बताती हूं ओरल में आप बताओ आपके सामने है बट आप क्या समझे वो बताओ Use of body language is necessary theory of uh -huh. तो भाई सुनो मेरे प्यारे बच्चों ओरल कम्युनिकेशंस क्या होता है और सिद्धांत सुविधा गुण अवगुण वो तो गया अंकिता ओरल कम्युनिकेशन बट यहाँ पे डिफरेंस की बात की हुई है ओरल और रिटर्न में डिफरेंस की बात की हुई है ओरल म्युनिकेशन राइट के मीनिंग प्रिंसिपल फीचर्स और मेरिटीज एंड डिमेरिटीज बट यहाँ पे क्या पूछा है यहाँ पे ओरल कॉम्युनिकेशन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या क्या डिफरेंसिस हैं तो ओरल कॉम्युनिकेशन में पहले क्या डिफरेंट है यस yes. यहाँ पे ये है कि यूज ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज लाइक बॉडी लैंग्वेज इज अ मस्ट second fast in conveying the in, uh, intended message and third more personal touch and impact on receiver fourth immediately feedback five less thoughtful six the receiver may forget the message after some time and seven landy and eight oral communications is suitable for conveying emotions and feelings Yes, yeah, simple. तो यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है बाय यूज ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज लाइक बॉडी लैंग्वेज इज मस्ट उसमें बॉडी लैंग्वेज इज मस्ट होती है राइट right? दूसरा है कि फास्ट इन द इंटेंट मैसेज यानी वो फास्टली होता है ओरल यानी हमें बोली देना है ना तो पे लिखना है नहीं लिखना है तो वो फास्ट हो जाता है राइट right? तीसरा है कि मोर पर्सनल टच एंड इम्पैक्ट ऑन रिसीवर यानी मोर पर्सनल यानी किसी को अधिक व्यक्तिगत स्पर्श और रिसीवर का प्रभाव ठीक है और इमिडिएटली फीडबैक यानी तात्कालिक जो फीडबैक है वो देता है लेस थॉटफुल यहाँ पे लेस थॉटफुल होता है यानी क्या कि कम विचारशील होता है राइट रिसीवर मे फॉरगेट द मैसेज आफ्टर सम टाइम यानी जो रिसीवर होता है वो थोड़े टाइम बाद वो भूल भी जा सकता है राइट फिर वो लेंथी भी होता है यानी बोलना ही है ना वो तो पचास वर्ड पांच सौ वर्ड में भी बोल सकता है राइट बोलना ही है ना राइट right? तो वो लंबा भी हो सकता है ओरल कम्युनिकेशन इज सुटेबल फॉर कन्वेइंग इमोशंस एंड फीलिंग यानी वो ओरल कम्युनिकेशंस जो है वो मौखिक संचार जो है वो भावनाओं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त है यानी अगर हम लोग बोलते हैं ना तो हमारा हाव भाव सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाता है तो वो अच्छे से उसमें मौखिक संचार में प्रभावी होता है ठीक है समझ गए ना तो अब देखते हैं मौखिक और लिखित संचार के बीच का अंतर उसमें लिखित संचार लिखित संचार में क्या क्या आएगा भाई तो अच्छे लेआउट और प्रस्तुतिकरण का उपयोग आवश्यक है यानी जो भी लिखा हुआ है वो अच्छे लेआउट वाला होना चाहिए यानी यहाँ से स्टार्ट करके फिर दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है राइट ये तो सबको पता है वो ऐसे उसका फॉर्मूला जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग लेआउट यानी प्रस्तुतिकरण वाला उपयोग वाला होना चाहिए इच्छित संदेश को संप्रेषित करने के लिए तुलनात्मक रूप से धीमा होना चाहिए यानी वो धीमी गति वाला होता है क्योंकि वो लिखने की प्रक्रिया होती है राइट कम व्यक्तिगत स्पर्श और रिसीवर प्रभाव होता है यानी व्यक्तिगत स्पर्श यानी फेस टू स्पर्श कम होता है बट रिसीवर पर प्रभाव तो पड़ता है उसके बाद विलंबित प्रतिक्रिया यानी क्या होता है भाई आ, डेली डिलेट फीडबैक यानी फीडबैक जो होता है वो थोड़ा विलंब से यानी थोड़े टाइम बाद यानी थोड़ा उसमें टाइमिंग की प्रोसेस जो है वो धीमी होती है राइट उसके बाद अधिक जानबूझकर और विचारशील राइट तो मोर डिलिबरेट डिलिबरेट एंड थॉटफुल प्लेस यहाँ पे वो विचारशील होता है यानी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना वो विचार करके लिखा होता है राइट right? और उसके बाद भविष्य के संदर्भ के लिए संदेश हमेशा उपलब्ध होता है यानी वहां पे थोड़े टाइम बाद रिसीवर जो होता है वो भूल जाता है बट यहाँ पे रिसीवर जो है रिटर्न वाला वो रिटर्न वाला थोड़े बाद थोड़े टाइम बाद दस साल बाद सौ साल बाद भी वो डेटा वहां पे रहता है राइट right? तुलनात्मक रूप से सटीक होता है दोनों की तुलना में जो रिटर्न वाला है वो सटीक यानी स्पष्टता वाला यानी वो अच्छा होता है राइट right? उसके बाद लिखित संचार तथ्य और आंकड़े बताने के लिए उपयुक्त है यानी तथ्य भी और आंकड़े भी वो स्पष्ट रूप से बता पाता है ठीक है तो ये लिखित संचार और ओरल संचार, यानी मौखिक संचार का दोनों के बीच का डिफरेंसेस है तो अच्छे से आपको ध्यान में रखकर इसके अच्छे से याद रखना है ठीक है तो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होगा भाई यूज ऑफ नाइस लेआउट एंड प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड

उसके बाद मोर डिली डिलिबरेट एंड यानी वो क्या अधिक जानबूझकर और विचारशील होता है राइट द मैसेज इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर फ्यूचर यानी फ्यूचर के लिए वो ऑलवेज अवेलेबल रहता है और कॉम्पेटिवली प्रिसाइज यानी वो तुलनात्मक के रूप में प्रिसाइज यानी सटीक होता है राइट फिर होता है रिटर्न कम्युनिकेशन सुटेबल फॉर कन्वे फैक्ट एंड फिगर यानी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो फैक्ट के साथ और फिगर के साथ लिखा हुआ मिलता है तो ये रिटर्न एंड ओरल कम्युनिकेशन का डिफरेंसेस कितने बच्चों को समझ में अच्छे से आया और कितने को नहीं आया वो मुझे अभी बता सकता है मैम बैक करो क्या हिंदी वाला देखना है लो हिंदी में देख लो राइट करना है ओके वैसे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी आज एंड ऑफ डे तक आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी समझ आ गया ओके आप बहुत ही बड़े और होशियार स्टूडेंट हो एक ही बात में समझ जाते हो वेरी गुड ओके 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 चलो भाई यहां तक था हमारा आज का टॉपिक राइट और हमारा कल का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा बहुत आपको अगर देख के आना है तो आप लिख लो कल का टॉपिक टाइप्स ऑफ वर्बल कॉम्युनिकेशंस उसमें पहला टाइप है इंटरपर्सनल इंट्रापर्सन और दूसरा है इंटरपर्सनल ठीक है ये दो टाइप्स मैं कल थोड़ा डीपली एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाऊंगी तो टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सन तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल बात करेंगे तो हम लोग कल बात करके मिलेंगे पैकअप मैम पैकअप Okay. यस ओके एंड हाउ इज द क्लास बाई ये क्लास आपको कैसी लगी और कौन कौन देता है मुझे तो कोई बताता ही नहीं कि हमने सर को फीडबैक दिया कम्युनिकेशन का जो भी चल रहा है वो बहुत ही प्रकटिव है हमें आज तक नहीं देखा वैसा मटेरियल्स है क्वालिटी वाला मटेरियल है वो सब तो कोई बताता ही नहीं है मैम जो चलाती है वो अच्छा चलाती है गंदा चलाती है वो कैसा कराती है जो क्लास में जो है वो कैसा होता है वो तो आपने कभी बताया ही नहीं है किसी ने बताया ही नहीं है भाई क्यों अच्छा आपने दिया था तो कल तो खुशहाली का फीडबैक मुझे मिला था Uh, कि खुशहाली ने सर को बोला था कि सर हमें प्लीज नोट्स अवेलेबल कराओ क्योंकि नोट्स हमें देखने में बहुत डिफिकल्टीज होती है ऐसा मुझे मैसेज मिला था खुशहाली का थैंक यू सो मच प्रेरणा यस yes, राखी आज आपको मिल जाएंगी प्रॉमिस बच्चा थैंक यू सो मच मैसेज में दो यहाँ पे ऐप पर भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हो जहां पे भी आपको अगर चाहिए वहां पे कर सकते हो अभी मिल गए मैम यस खुशहाली मिल गए अब थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू बच्चो तो मिलते हैं हम लोग कल कल का क्लास हमारा होगा टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन उसके अकॉर्डिंग हम लोग मिलेंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे टेक केयर बाय स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग कल